नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस एनपी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप पीसीएस एनपी स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज करके क्वार्टर वाइज फी सबमिशन रिपोर्ट्स देखेंगे। उसके लिए आप जाएंगे रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में आपको ऑप्शन मिलेगा क्वार्टर वाइज फी सबमिशन रिपोर्ट, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जिस भी क्वार्टर की आप फी सबमिशन रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं वो क्वार्टर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप क्लास सिलेक्ट करेंगे, किस क्लास का आप रिकॉर्ड देखना चाहते हैं फी सबमिशंस का, और फी टाइप कि आप पेड, जिसमें जिन जिन स्टूडेंट्स ने पेड की हो वो रिकॉर्ड देना चाहते हैं, या जिस जिन जिन स्टूडेंट्स ने क्लास में अनपेड मतलब फीस अभी तक पेड नहीं की है वो रिकॉर्ड देना चाहते हैं, या दोनों को रिकॉर्ड मिक्सअप करके आप देखना चाहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टर में अगर हम नर्सरी ए देखें और पेड पे क्लिक करके ओके करेंगे तो आप देखिए जो जो स्टूडेंट्स ने पेड फीस पेड कर दी है उन सबका आपको रिकॉर्ड दिख जाएगा, जहां पर आपको ट्यूशन फीस भी दिखेगी, एडमिशन फीस भी दिखेगी फर्स्ट क्वार्टर के लिए। ओके, सिक्योरिटी, एनुअल फीस, इंश्योरेंस, बुक सेट एंड लेट फी एंड टोटल जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है वो, और डिपॉजिटेड। ठीक, उसी तरह से अगर हम चाहते हैं सेकेंड क्वार्टर का देखना, सेकेंड क्वार्टर पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, सेकेंड क्वार्टर में सिर्फ क्वार्टरली जो फीस होगी वो सबमिट होगी, तो वहां पे आपको सिर्फ ट्यूशन फीस दिखेगा, एडमिशन, सिक्योरिटी, एनुअल, इंश्योरेंस, बुक सेट, लेट फीस, बुक सेट में जीरो दिखेगा, लेट फी अगर होगी तो फाइन के एज अ फाइन आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से अगर आप यहाँ पे अनपेड देखना चाहते हैं तो आपको कोई रिकॉर्ड इसलिए यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पर अभी कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं रहा जिसकी फीस अनपेड हो। उसके बाद अगर हम बोथ देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बोथ देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम अनपेड का रिकॉर्ड थर्ड क्वार्टर में चेक करें, थर्ड क्वार्टर्स एंड शो करें, तो आप देखिए यहाँ पर आपको अनपेड का रिकॉर्ड दिखा क्योंकि कोई भी किसी ने भी फीस अभी तक सबमिट नहीं की है, तो जितने भी स्टूडेंट्स थे नर्सरी ए में उन सबका रिकॉर्ड आपको यहाँ पे अनपेड रिपोर्ट के अंदर शो हो रहा है। और अगर हम इसे पेड करें तो पेड में आपको ये शो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर किसी की भी फीस अभी तक सबमिट नहीं हुई है। अब मैं एक आपको फीस सबमिट करके किसी एक स्टूडेंट की दिखाता हूँ। फीस सबमिशन बल्क में जाएंगे, थर्ड क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे, नर्सरी ए सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, यहाँ पर हम एक स्टूडेंट की फीस को सबमिट करते हैं और सबको अनटिक कर देंगे। एंड यहाँ पे थर्ड क्वार्टर का जो डेट है वो है, मान लीजिए हमने 12 अक्टूबर को उन्होंने उनको फीस सबमिट करी। ठीक है, हम इसको सेव कर देंगे। ओके, अब हम चेक करेंगे रिकॉर्ड थर्ड क्वार्टर का नर्सरी ए एंड पेड, तो देखिए यहाँ पर आपको रिकॉर्ड दिख गया जहाँ पे ट्यूशन फीस, थर्ड क्वार्टर में सिर्फ ट्यूशन फीस ही लगेगी तो ट्यूशन फीस में रिकॉर्ड आ गया और सब जीरो, एंड लेट फीस जो थी वो 10 रुपीज काउंट हुई और जो टोटल रिसीव हुआ वो 3300 रुपये आपको 3300 दिखा देगा, और डिपॉजिट डेट जो जिस डेट में हमने डिपॉजिट किया वो आपको शो हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अनपेड देखें तो अनपेड में भी आपको रिकॉर्ड दिखेगा क्योंकि दो स्टूडेंट की फीस अभी सबमिट नहीं हुई है तो वो अनपेड में आ जाएगा। अगर हम बोथ देखना चाहें तो आपको दोनों रिकॉर्ड एक साथ दिखेंगे, अनपेड वाले और पेड वाले। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप पीसीएस एनपी स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज करके क्वार्टर वाइज फीस सबमिशन रिपोर्ट देखेंगे। Thanks for watching this video. Have a nice day.